बिहार में अग्निपथ का विरोध, 21 जिलों में उग्र प्रदर्शन, 6 ट्रेनें फूंक कर ट्रैक पर आगजनी, डिप्टी सीएम के घर पर भी हुआ हमला। अग्निपथ के सपोर्ट में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, देश को यंग आर्मी की जरूरत, स्कीम सही दिशा में उठाया गया कदम। गहलोत के भाई पर 2 साल में दूसरी रेड, अग्रसेन गहलोत पर सीबीआई का छापा, 2020 में ईडी ने खाद घोटाले में रेड की थी। राम रहीम को मिली 30 दिन की पैरोल, यूपी के बागपत आश्रम में रहने की इच्छा जताई, पहले 21 दिन बाहर रहता था। सोनिया गांधी की खराब तबीयत के चलते राहुल गांधी ने पूछताछ टालने को कहा, ईडी ने दी मंजूरी। अग्निपथ का इंदौर में भी विरोध, रेलवे स्टेशन पर युवकों ने पथराव किया, एसआई का कान फटा, 2 ट्रेनें निरस्त, 22 हिरासत में। जबलपुर सागर रीवा शहडोल संभाग में आज भारी बारिश, 2 दिन में पहले इंदौर फिर भोपाल में एंट्री। भाजपा ने घोषित किए मैहर नगर पालिका समेत सतना जिले के सभी नगर परिषदों में पार्टी प्रत्याशियों के नाम, कांग्रेस में अभी भी इंतजार। सिंगरौली में चुनाव में नहीं लगाई जाएगी महिला कर्मचारियों की ड्यूटी, मतदान कराएंगे 2000 कर्मचारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। और रीवा के घूमा गांव में खेत पर चल रही थी नकली सीमेंट की कंपनी, 3 ट्रक, 2 बल्कर, 1 पिकअप सहित करोड़ों का माल जब्त।